भैया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बाहुबली 2 के कैरेक्टर्स के बारे में। ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं और अभी फिल्म में कैसे दिख रहे हैं, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज बताऊंगा ये कैसे दिखते हैं और पिक्चर में कैसे दिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास से, यानी कि बाहुबली। बाहुबली ने 3 रोल इस फिल्म में निभाया है, यानी कि सेम तरह का आपको बता देता हूँ। एक तो वो और सबसे पहले विक्रम बाहुबली बनते थे, विक्रम जो उनके दादाजी थे वो उसे पोस्टर में दिखाए गए हैं, वो भी सेम ऐसे ही दिखते थे। उसके बाद अमरेंद्र बाहुबली का रोल निभाया जो देवसेना से प्यार करते थे, यानी कि अनुष्का शेट्टी से। उसके बाद महेंद्र बाहुबली का रोल दिखाया है जो प्यार करते तमन्ना से। तो 3 रोल दिखाए गए हैं और आप रियल लाइफ में देखो उनको तो ऑफकोर्स हाइट बड़ी है उनकी, लेकिन वो इतना हैवी बिल्डअप उन्होंने नहीं किया था, यानी कि 100 किलो जो उनका वेट उन्होंने गेन किया था वो बहुत ज्यादा मेहनत की थी। दिन में 40 अंडे खाते थे ऐसा कहा जा रहा है, और इसलिए उन्होंने इस तरह इस बॉडी से ट्रांसफॉर्म होकर इस तरह की बॉडी बनाई है। और करीबन 3 से 4 साल कम से कम दिए है इस फिल्म को, इसलिए जाके फिल्म इतनी बढ़िया हो पाई है। चलिए बाकी देख लेते हैं और कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। जी हाँ, भलाल देवा। रियल लाइफ में आप देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि ये ही भलाल देवा है, यानी कि राणा दागुबट्टी है। बहुत ही ऑफकोर्स लंबे थे, लेकिन उन्होंने बॉडी बनाना चालू किया था कम से कम 4 से 5 साल पहले ही और मेन तौर पे। और उसके बाद फिल्म में देखोगे तो फिल्म में आपको लगेगा तो कोई 50-55 साल का कोई बंदा है, इस तरह से लुक है उनका। बहुत हैवी, बहुत बल्कि, मतलब वन ऑफ द बेस्ट विलन्स मैं कहूँगा। बहुत बढ़िया तरह से रोल निभाया है, लेकिन इनका करेक्टर देखोगे तो आप रियल लाइफ में देखोगे तो नॉर्मल लगते हैं, ऐसे लगते भी नहीं कि 30 साल के भी हैं। तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है भलाल देवा ने, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही मेहनत की है बॉडी पर, वो पूरा दिखता है। और कहीं ना कहीं भलाल देवा यानी कि राणा दागुबट्टी ने भी हमारा दिल जीता है। तीसरा करैक्टर है जिसको आप पहचान ही नहीं पाओगे पूरी फिल्म में, ये है देवसेना यानी कि अनुष्का शेट्टी। अनुष्का शेट्टी रियल लाइफ में ऐसे दिखती है, लेकिन फिल्म में उन्हें ऐसा दिखाया गया है पहले हाफ में। दूसरे हाफ में जरूर उनका लुक काफ़ी चेंज हुआ है, बहुत स्लिम दिख रही है और बहुत अच्छी दिख रही है। बट जो फिर भी मतलब सबसे ज़्यादा किसी ने इम्प्रेस किया मुझे इस पूरी फिल्म में तो वो यही है, अनुष्का शेट्टी ने इम्प्रेस किया। आपको जामा किशन भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अनुष्का शेट्टी का जो दोनों फिल्म में जो इम्पोर्टेंट रोल था वो बहुत ही सराहनीय था। और उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे तो तमन्ना है। तमन्ना का फर्स्ट हाफ में अच्छा रोल था, यानी पहले फिल्म बाहुबली 1 में, बाहुबली 2 में बहुत ही कम 2 से 3 मिनट का ही रोल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बहुत बढ़िया थी और अच्छा खासा रोल इन्होंने निभाया था और बहुत ब्यूटीफुल तो दिखती ही है। और पाँचवें नंबर पर जो करेक्टर है हम बात करते हैं वो है कटप्पा। कटप्पा को हम कभी नहीं भूल सकते। कटप्पा अगर हम देखें तो ये जो लुक है आई थिंक ये चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का है, जिन पर दीपिका पादुकोण के पिताजी बनते हैं। और कई सारी फिल्म में जो इनका लुक है आप उनको सही में नहीं पहचान पाओगे, अगर अपने नॉर्मल अवतार में दिखे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यही कटप्पा है। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने लुक दिया था। मैं कहूँ अगर बाहुबली हिट होने का श्रेय किसी को जाता है 1 या 2 तो कटप्पा को ही जाता है। जो इतनी अर्निंग करी, जो इतना ज़्यादा कमा रही, उसे आई थिंक कटप्पा की वजह से ही जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यही बंदा था जो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन देता है पूरी दुनिया को सोचने के लिए कि मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, मैंने ही आपके पिता अमरेंद्र बाहुबली को मारा था। तो उधर फिल्म खत्म होती, सेकेंड हाफ में पूरा यही स्टोरी बताता। तो ये सूत्रधार है, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कटप्पा, और आप इससे बिल्कुल कभी घृणा नहीं कर सकते, आप इससे कभी गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सही इन्होंने रोल निभाया। अपना वचन ही शासन है जैसे बोलते थे। ये छठे नंबर पर है, ये बंदा आप देखा होगा, ये प्रभाकर नाम के साउथ एक्टर है। इनका आप देखोगे तो कैसे दिखते रियल लाइफ में, और ये बहुत खतरनाक विलन बने थे आपने देखा होगा तो पहले हाफ में, पहले पार्ट में। और बहुत बड़ा युद्ध होता है, एक ही युद्ध होता है सबसे बड़ा, उसमें ये शामिल होते, यही लीड होते हैं। और बहुत अच्छे तरह से इन्होंने जोले भाई आप कभी पहचान नहीं पाएंगे यही एक्टर थे। और सातवें नंबर पर है आप इन्हें, ये भी बहुत फेमस एक्टर है और आपने इन्हें देखा होगा कई सारे फिल्मों में, साउथ फिल्मों में एज ए विलन, एज ए हीरो भी देखा होगा कहीं कहीं। और इन्होंने एक अच्छा रोल निभाया था पहले हाफ में, यानी कि बाहुबली 1 में, जो हथियार सप्लाई करते थे और कटप्पा उनसे हथियार खरीदते थे, इस तरह का रोल है। और सेकेंड हाफ में इनका कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया, यानी कि बाहुबली 2 में, बट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, छोटा सा ही था लेकिन बहुत अच्छा रोल प्ले किया था इन्होंने। और आठवें नंबर पर है नसीर। नसीर सेकेंड फिल्म में एकदम जो ज़्यादा बूढ़े नहीं नजर आए थे, यानी कि पिताजी का भलाल देवा, पिताजी का फोर्स रोल प्ले किया है शिवगामी के हस्बैंड का। और सेकेंड फिल्म में उनका इस तरह का ही लुक था, फर्स्ट फिल्म में और ज़्यादा बूढ़े दिखाए गए थे।
क्योंकि उस समय महेंद्र बाहुबली के बारे में लाइक उस समय महेंद्र बाहुबली के बारे में स्टोरी थी इसलिए। तो नसीर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस उन्हें एज एन एक्टर का, और बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने रोल निभाया था। उनका एक हाथ ऐसा विकलांग जैसा बताया कि चलता नहीं है, तो एक शकुनी मामा वाला जो फील था वो था इस कैरेक्टर में, और वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर मैं कहूँगा इनका था। उसके बाद 90 नंबर पर कोई एक्ट्रेस आती है तो राम्या कृष्णन आती है। राम्या कृष्णन से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, आप इनके लुक देखिए ऐसा लगेगा कि यार बस यह इसी रोल के लिए ही बनी थी। और जो इंटेंसिटी, जो एग्रेशन, जो रहता ना एकदम कि रोल में रहना चाहिए वो था, लग रही थी कि महाश्मति की महारानी है, कोई डाउट नहीं था, इतना परफेक्शन से रोल निभाया था पहले फिल्म में भी दूसरे फिल्म में भी। और मानता हूँ गलती इनसे कहीं ना कहीं हुई थी, जब बलाल देवा की बातों में आकर इन्होंने बाहुबली को मरवाने का, एमरेन बाहुबली को मारने के लिए बोल दिया था, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए उन्होंने महेंद्र बाहुबली की कैसे भी जान बचाई। उसके बाद महेंद्र बाहुबली ने ही आखिर जो जान का बदला लिया, यानी कि अमरेंद्र बाबरी, यानी कि अपने बेटे की ही अपने बेटे को ही मारने के लिए उन्होंने बचाया था अमरेंद्र बाहुबली के बेटे मतलब महेंद्र को। तो बहुत अच्छा रोल था। तो ये 9 करेक्टर्स है जो हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग इंटरेस्टिंग लगते हैं, और रियल लाइफ में इन्हें देख के पता ही चलता है कि ये वही करेक्टर्स हैं। तो आपको कितने अच्छे लगे ये सब करेक्टर्स के लुक, और ओल्ड और नए लुक, और फिल्म में या आपने जो देखा होगा, क्या आप रियल लाइफ में सही में इनको पहचान पाओगे या नहीं, आप जरूर बता सकते हो। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उसके बारे में बताइए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।